जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर सैन्यू, लाडलो लाडलो, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली SSC GD की जो रनिंग है 5 किलोमीटर की, उसके ऊपर है कि 5 किलोमीटर की जो रनिंग है हमें कैसे करनी चाहिए, क्योंकि जो 5 किलोमीटर की रनिंग है काफी लॉन्ग रनिंग है। स्पेशली SSC GD में वो बच्चे ज्यादा है जिन्होंने पहले आर्मी की तैयारी नहीं की होगी, क्योंकि आर्मी की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो तो 5 किलोमीटर रनिंग आराम से कर लेंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं की है, क्योंकि इसकी आर्मी की तैयारी नहीं करने वाले बच्चे इसमें कम इसलिए है क्योंकि आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे पढ़ने में ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, और इसमें वो बच्चे ज्यादा आ जाते हैं जो CGL की भी तैयारी कर चुके हैं, CPO के लिए भी ट्राई कर चुके हैं, प्लस SSC MTS दिल्ली पुलिस, इनकी तैयारी करने वाले ज्यादातर बच्चे हैं जिनकी रनिंग स्पीड काफी कम होती है या वेट ज्यादा होता है शरीर का, या उन्होंने पहले कभी रनिंग नहीं की है, तो वही बच्चे इसमें स्कोर अच्छा कर पाते हैं क्योंकि इसकी मेरिट काफी ऊपर जाती है। तो अब वो 5 किलोमीटर की रनिंग कैसे करें, ये वीडियो लाडलो आप सभी के लिए है कि आपको, क्योंकि लॉन्ग रनिंग है 24 मिनट का समय मिलेगा, कैसे करें चलिए मैं बताता हूं। देखिए आप शुरुआत के दिनों में अगर मान के चलिए आज तक आपने रनिंग नहीं की, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 10 किलोमीटर पैदल चलने की आदत डालनी है, यानी पहले 4 से 5 दिन आप 10 किलोमीटर पैदल चलने की कोशिश करिए। जिस दिन आप 10 किलोमीटर की दूरी पैदल चल लो बिना रुके, उससे अगले दिन आप 1 किलोमीटर रनिंग करने की कोशिश करिए। हो सकता है कि इस दिन आपको 7 से 8 मिनट लगे, कितना मिनट लगे, 7 से 8 मिनट, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद में 9 किलोमीटर पैदल चलिए। अगले दिन आपको क्या करना है, 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश करनी है, यानी एक वीक खत्म होने के बाद में आपको 2 किलोमीटर आसानी से दौड़ सको, इस प्रकार की आपको ट्राई करनी है। लेकिन ध्यान रखना, 2 किलोमीटर दौड़ने भी लगे तो भी 10 किलोमीटर पैदल जाना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे, चाहिए भले कितना ही टाइम लगे, अगले वीक से आपको 5 किलोमीटर रनिंग शुरू कर देनी, क्योंकि अगर आप 2-2.5 किलोमीटर दौड़ने लगे इसका मतलब है कि अब आप 5 किलोमीटर भी दौड़ने के लिए सक्षम है। तो 5 किलोमीटर में शुरुआत में, जैसे मेरे पास में एकेडमी में कई बच्चे हैं जिनको 5 किलोमीटर करने में जब पहला टेस्ट लिया तो उनको 39 मिनट लगी। अब बहुत सारे बच्चे क्या है कि जब 5 किलोमीटर में 40 मिनट या ऐसा समय लगता है तो वो घबरा जाते हैं कि हम तो कर ही नहीं पाएंगे। अरे भाई 40 मिनट क्या लगी, मैं तो इसके लिए खुश हूं कि आप आ गए 5 किलोमीटर कंप्लीट करके, ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि आपने पहले तैयारी नहीं की कभी और फिर भी आप 5 किलोमीटर का टास्क कंप्लीट कर लिए, बहुत बड़ी बात है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इन्हीं बच्चों का जब अगले वीक में, एक वीक इनको मैंने जब रनिंग कराई, मैं आपको बताऊंगा, वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं चैनल पर, जब अगले वीक में मैंने इनको रनिंग कराई तो यही बच्चे इस जिसके पास जिसको 39 मिनट लगा था वो सीधा 31 मिनट में आ गया था। कब? 31 मिनट में, उस एक वीक में मात्र 8 मिनट कम। क्यों? क्योंकि उससे पहले वो कभी रनिंग ही नहीं किया था, केवल 1-2 बार दौड़ा होगा। इस 7 दिन में मैंने उसको 14 बार दौड़ाया था, सुबह भी और शाम को भी, तो अब उसको आदत हो गई थी दौड़ने की, तो 5 किलोमीटर बिना रुके दौड़ा तो 31 मिनट में आसानी से आ गया। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, अगले दिन ये शाम का टेस्ट था, अगले दिन मॉर्निंग में जब टेस्ट दिया तो ये बच्चा 28 मिनट था, यानी 3 मिनट इसने और कम कर ली थी। ऐसे कई बच्चों के उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, और विद इन 3 वीक, यानी 3 वीक के अंदर अंदर जो बच्चा 39 मिनट में आया था वो 23 मिनट और 39 सेकंड में आ गया था। ये लास्ट टेस्ट में मैं आपको बता दूंगा, उस वीडियो को पिन करके कमांडो अकेडमी फिजिकल पर वीडियो, उसमें साफ साफ बताया गया उस बच्चे के बारे में भी, आप जाके देख लेना। तो यानी 39 मिनट लगने वाला बच्चा 23 मिनट 39 सेकंड में कर सकता है, अब वो बच्चा कोई भी टेस्ट में फेल नहीं हो रहा है, तो आप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप पहले नहीं दौड़े तो आपको 40 मिनट नहीं, 5 किलोमीटर में 50 मिनट भी लगे कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से दौड़ सकते हो। बस जो जरूरत है वो है आपको अभ्यास की, निरंतर आपको दौड़ते रहने की। दौड़ना कैसे है 5 किलोमीटर मैं आपको बताता हूं। अगर आप दौड़ने के लिए कंफर्टेबल है, सबसे पहले 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की दूरी SSC GD में आपको 5 से 6 मिनट में कवर करनी है। कितने मिनट में? 5 से 6 मिनट के बीच में समय लगे कोई टेंशन नहीं है। 2 किलोमीटर की जो दूरी है आप 11 मिनट तक कवर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 किलोमीटर की जो दूरी है आप 16 मिनट तक कवर कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके पास में 2 किलोमीटर की दूरी और लगभग 8 से 9 मिनट का समय बच जाएगा, यानी अगर आप 15 से 16 मिनट में इसको करते हैं तो ठीक है। तो आगे का जो 1 किलोमीटर, अब यहां से आपको स्पीड अपनी धीरे धीरे बढ़ा देनी है। शुरुआत में अगर आप इस 1 किलोमीटर को 4 मिनट में करने की सोचोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ऐसा नहीं करना है। पहले 1 किलोमीटर में 5 से 6 मिनट भी लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे में आपको 5 मिनट से ज्यादा यानी 11 मिनट के अंदर अंदर कर देनी है। 3 किलोमीटर की दूरी आपको 15 मिनट या 15 से ऊपर हो जाए, यानी 15 से 16 के मध्य कर देनी है।
चार किलोमीटर की जो दूरी है, यानी जब आप चार किलोमीटर टच करो तो आपको 20 मिनट में कर देनी है या 20 मिनट में, तो अपने आप लास्ट का जो एक किलोमीटर रहेगा आप 5 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट के अंदर अंदर कर दोगे लाडलो। ये उनके लिए है जिनको बहुत परेशानी हो रही है। जो अच्छे धावक है वो तो एक किलोमीटर को पहले एक किलोमीटर में तो हमेशा ध्यान रखिए, SSGD में जो भी बच्चा तैयारी करता है ध्यान रखना, पहले एक किलोमीटर को आपको हरेक किलोमीटर की बजाय ज्यादा समय देना है, क्योंकि स्टार्ट में ही आपको पूरा ध्यान लगा के नहीं दौड़ना, बिल्कुल स्लो 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 आपका अल्गोरिदम सेट हो जाए। एक बात ध्यान रखिए, आप रनिंग करने से पहले संतरा खा लीजिए ताकि आपके लार ना बने अंदर, ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ खा लीजिए हल्का फुल्का, क्योंकि लॉन्ग रनिंग है, एक आध बिस्कुट भी खा सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं, चना खा सकते हैं, और संतरा खा लेते हैं तो बहुत बेटर है ताकि लार ना बने। मुंह से भी सांस ले सकते हैं, नाक से भी ले सकते हैं, मुंह खोल के भी दौड़ सकते हैं, साथ में पैर की जो पोजीशन है पंजे पर दौड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि बहुत लंबी रनिंग है पैर दर्द करने लग जाएगा, आप फ्लैट पैर रखिए, हो सके तो साइड से थोड़ा सा पैर को रखने की कोशिश करिए, फिर आप दौड़िए बहुत ही अच्छे से दौड़ोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इस टाइमिंग के दौरान आप जब दौड़ते हो घड़ी में देखते जाना, आप आराम से लास्ट का जो एक किलोमीटर की दूरी रहेगा वो चार मिनट में कर दो, क्योंकि उस समय जोश आ जाएगा। लेकिन शुरुआत में आपको चार मिनट में कर दिए और सांस भर गया और पूरी रनिंग कंप्लीट नहीं कर पाए तो ज्यादा दुख रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप दौड़ोगे तो आसानी से आप ये रनिंग कंप्लीट कर सकोगे, ठीक है लाडलो। जय हिंद, जय भारत।